हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट क्लासेस। तो चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में गाइस क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। 7, 8, 9, 10 फोर क्वेश्चन हुए थे इस वीडियोज़ में, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज का आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो, अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट वो पूछ लेना, ठीक है। नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं और उस पर मुझको आप डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको डे टू डे पता चल सके कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कितने टाइम पे, कितने बजे, कौन से डेट को आने वाली है। क्लियर है गाइस? तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों पे मुझको फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है हमारे पास ये। इस क्वेश्चन में मेनली हमको बुक में बोल रखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखो बुक में क्या बोल रखा है। बुक में बोल रखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11-13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो इसमें हमने मेनली करना क्या है कि हमें एक टर्म दे रखी है और हमें 5 टर्म्स निकालने हैं। हमें एक टर्म दे रखी है a1=3 और हमें ये फॉर्मूला दे रखा है कि आगे आप a2, a3, a4 और a5 तक आप निकालो, फिफ्थ टर्म तक हमें इसमें निकालनी है। तो एक टर्म पहले से गिवन है, अगले 4 टर्म निकालनी है और इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में हमारे पास है क्या कि हमें एन की वैल्यू बस पुट करनी है और हमारे पास निकल जाएगा सिंपल से तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a2, हमारे पास a1 पहले से गिवन है, हम निकालते हैं a2। तो मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, इसमें मैंने एन की जगह 2 पुट किया, हमें कौन सा टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म। तो मैंने सेकेंड पुट किया एन की जगह, फिर यहाँ पे भी हमारे पास एन की जगह 2 पुट होगा, 3a2-1+2। क्लियर है? अब देखो 2-1 क्या होता है, 1 होता है। तो a2=3a1+2। अभी a1 आ गया, a1 की वैल्यू हमें पता है 3 होती है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे पुट करूंगा a1 की वैल्यू होती है 3+2 और 3×3=9+2=11। सो a2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 11 आ रही है। बहुत ही सिंपल, फटाफट से शॉर्ट निकालते हैं हम a3 की वैल्यू। तो ध्यान से देख रहे हैं a3 की वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ। ओके, तो a3 के बस इसमें हमने फॉर्मूला पुट करना है, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा 3-1+2। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि बोर ना हो जाए लेक्चर। तो यहाँ पे आ जाएगा a2+2 और उसके बाद a2 की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है, 11 जो आ रही है वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो 3×11+2। ये सब सिंपल चीज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा, +2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35, ठीक है। तो गाइज हमारे पास a3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 35 हमारे पास a3 की वैल्यू आ रही है। अब हम निकालते हैं फटाफट से a4 की वैल्यू, ध्यान से देखो जल्दी, 3a4-1+2, यह आ जाएगा 3a3+2, यह आ जाएगा 3 × a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 35 आई है। तो यहाँ पे आ जाएगा 35+2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3=15+3×3=105+2, ठीक है। और इनको प्लस करेंगे तो 107, a4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 107 आ रही है, ठीक है। चेक कर सकते हो आप बुक में, वैल्यू सेम है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, समझ में आ गया अच्छी तरह से। ये है A4 तक निकल गई, अब हम लास्ट क्या रहती है, A5 की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो फटाफट से निकालते हैं A5, मैं यहाँ निकालता हूँ, a5=3a5-1+2, यह जगह 3a5-1=4+2, यह जगह 3×a4 की वैल्यू कितनी है, 107+2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7×21 का यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, ऊपर कैरी 2, 3×2 और यहाँ पे आ जाएगा 3×321+2, तो हमारे पास ये होता है 3323,
ए फाइव की वैल्यू। ठीक है, मैं एक बार बुक में ऐसे फिर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे तो वैसे मुझे लगता है करेक्ट होगा, लेकिन आई विल फर्स्टली चेक आउट। सो बुक में देख लेते हैं आंसर। तो एक्सरसाइज 9.1 का है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। ओके यस, तो फर्स्ट ए वन की वैल्यू आ रही है 3, उसके बाद इसकी आ रही है 11, उसके बाद आ रही है 35, उसके बाद 107, उसके बाद 323। ओके ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास जो 11 है वो बहुत ही इजी तरीके से सिंपली और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था इसमें, बस वैल्यूज पुट करनी थी। ओके फटाफट से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो गाइस चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही सिंपल है, ठीक है, हमें इसमें भी 5 टर्म्स निकालनी है, तो जो हमें बस इस फॉर्मूले का यूज करना है, यहाँ से लेके यहाँ जो फॉर्मूला हमारे पास लिख रखा है हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो हमारे पास A1 की वैल्यू पहले से गिवन है, अब हम A2 की निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी एज इट इज करना है। ओके सो हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A 2 - 1 / 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 इज A1 / 2, A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2, इतनी क्लियर हो गया, -1/2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं A3 की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा A 3 - 1/3, याद रखना m की वैल्यू पुट करनी है, तो हो जाएगा A2/3। A2 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है गाइस -1/2, ध्यान से देखो अब इसको, A2 की वैल्यू आई है -1/2, तो -1/2/3, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं 2 को नीचे लेके आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/6, 2 × 3 = 6 होते हैं, ये 2 को हमें नीचे लेके आ गया ना, तो -1/6 आ गया इसका आंसर। अब हम निकालते हैं A4 की वैल्यू, तो यह आ जाएगा A4 - 1/4, तो आ जाएगा A3/4, A3 की वैल्यू है -1/6/4, तो आ जाएगा -1/24। फिर उसके बाद हम निकालते हैं A5, तो A5 होगा A5 - 1/5, दिस विल बी A4/5, A4 की गाइस हमारे पास वैल्यू आई है -1/24, तो -1/24/5, और 24 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/5 = 20 + 2 = 5 = 10 = 120, ये वैल्यू हमारे पास आ गई -1/120। ठीक है, A5 की भी, तो सबसे पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ ताकि कोई भी किसी प्रकार की अभी किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना हो। ठीक है, सो गाइस ठीक है, देखो अब हम इसकी इस जो हमारे पास ये चीज आई है, सो हमारे पास जो जितने भी टर्म्स आई है उस टर्म को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, -1 + -1/2 + -1/6 + -1/24 + -1/20। ठीक है, इस अगर आप इस फॉर्म में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो गाइस चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है A1 = A2 = 2, हमारे पास A1 और A2 दोनों की वैल्यू हमारे पास 2 है, और हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है A3 A4 और A5 फाइंड करने का। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं फटाफट से, अब फाइंड करते हैं सबसे पहले A3। ठीक है, तो A3 फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A3 - 1 - 1, यहाँ पे आ जाएगा A2 - 1, A2 की वैल्यू कितनी है 2 - 1, तो ये कितना है 1, तो A3 की गाइस हमारे पास वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब हम A4 की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो जब A4 की वैल्यू चेक करेंगे तो ये आ जाएगा A4 - 1 - 1, A4 - 1 कितना होता है A3 - 1, A3 कितना है 1 - 1, तो ये कितना आ गया, ये तो 0 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं A5 की वैल्यू, मैं नीचे निकालता हूँ, A5 होगा A5 - 1 - 1 = A
ये आ जाएगा 4 माइनस 1 और a4 क्या है 0 माइनस 1, तो ये कितना आ गया माइनस 1। ठीक है, तो ये गाइस हमारे पास वैल्यू आ गई। और लास्ट में हमें पता कैसे लिखना है, 2 + 2 + 1 + 0 - 1। ठीक है, चाहे आप प्लस लिख के माइनस 1 लिख दो, चाहे ऐसे भी ठीक है। तो गाइस ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो 2 मिनट का क्वेश्चन गाइस बहुत। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 तक ही हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 है थोड़ा सा यूनिक। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक ही इस वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक इसके लिए, ठीक है, कि मैंने बोला, मैंने गलती से ऐसे बोल दिया, ठीक है। मैं उस चीज़ को थोड़ा सा कट आउट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम अगली वीडियो में ट्राई करेंगे, आज तक के लिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ठीक है। आज तक हम क्वेश्चन नंबर 13 ही तक करेंगे। तो आज की वीडियो को बस इतना ही गाइस, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और